है ना सर, क्योंकि चार से ज्यादा बॉन्ड अगर उस कार्बन एटम पे है तो वो तब भी अनस्टेबल होगा, और चार से कम बॉन्ड है तो सर उसको तब भी अनस्टेबल ही होगा। तो हमेशा हमेशा एक बात ध्यान रखनी, कार्बन जो है क्या हो जाएगा सर, हमेशा उस पर क्या हो जाएगा, चार ही बॉन्ड। तो एक बात ध्यान रखिए, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा ना बच्चों, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2 होता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होता है बच्चों, sp होता है। ये तो सबको पता था ना। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए ये कार्बन दिख रहा है आप लोगों को, ये कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब अगर किसी कार्बन पे एक भी अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, किसी कार्बन पे अगर एक भी डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना, तो आप बोलेंगे सर उसका हाइब्रिडाइजेशन, एक भी ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है बस, तो आप सीधे बोलेंगे sp हो जाएगा। समझ रहे ना, एक भी, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है इस कार्बन पे sp2, तो इसमें भी डबल बॉन्ड है तो sp2, इस कार्बन पे सारे सिंगल बॉन्ड है देख रहे हैं ना, तो sp3, तो इस कार्बन पे देखो एक डबल बॉन्ड है तो sp2, और ये ऑलरेडी आपका sp, ठीक है ना। चलो देखिए यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल है, मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, बताया गया कि टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होगी, अमोनिया का भी जो है आपका यही होगा, जियोमेट्री टेट्राहेड्रल होगी लेकिन शेप इसका ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, पिरामिडल। वाटर का भी होता तो जियोमेट्री टेट्राहेड्रल है लेकिन शेप क्या होगा, बेंट होगा या वी शेप होगा, ये इस सब इसमें बताया। कंजुगेटेड डाई, कंजुगेशन का मतलब जानते हैं ना सब लोग, अरे सबको पता है ना कंजुगेशन क्या होता है, कंजुगेशन का मतलब होता है बच्चों डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसा एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल, तो एक अल्टरनेट वे में इस तरीके से अगर ये लगे रहते हैं तो इसको बोला जाता है कंजुगेशन। ठीक है ना, इसको बोला जाता है कंजुगेशन। ठीक है चलो, अब सर सीधे आप पढ़िए बच्चों, सीधे बढ़िए आप इंडक्टिव फैक्ट की तरफ, इंडक्टिव फैक्ट पढ़ा होगा शायद आप, इंडक्टिव फैक्ट का मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूं, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब आपके नोट्स में होगा लिखा हुआ, आप बस थोड़ा सा देखिएगा इस इंडक्टिव इफेक्ट का मीनिंग होता है कि सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं, मतलब अंदर बॉन्ड के अंदर से जाते हैं, ऐसे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, तो एक तरफ, तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे आप देख रहे हैं ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, तो जिससे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, जिससे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो सर उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप देख सकते हैं सर जिससे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उस पर पॉजिटिव, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो क्या करेगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास बच्चों दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ सर, इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग काई से इंडिकेट करते हैं, आई से इंडिकेट करते हैं, आई हमारे पास नोट्स में होगा, मैंने जिन बच्चों को पिछली बार पढ़ाया है उन लोगों को सब पता होगा, और जिन बच्चों को मैंने नहीं पढ़ाया है उन्होंने कहीं तो पढ़ा होगा शायद, अरे कहीं तो पढ़ा होगा उन बच्चों ने, पढ़ा क्या बच्चों, पढ़ा है ना, जो बच्चे कहीं तो पढ़े होंगे। तो सर दो टाइप के इफेक्ट होते हैं, एक होता है प्लस आई, एक होता है माइनस। माइनस आई का मतलब होता है सर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट, यहां पे समझ में नहीं आएगा पूछ लेना है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी बोल देते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप,
एक को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं, दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या मतलब हो गया, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा मतलब सामने वाले को देगा तो वो आपका प्लस आई दिखाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा वो आपका कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, माइनस आई दिखाएगा। समझ रहे हैं ना, जैसे इधर दिया हुआ है देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दिया हुआ है ना, देखो तो यहाँ पे क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। डोनेट का मतलब होता है रिलीज करने वाले, है ना, जो अपने आप से रिलीज कर रहे हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, है ना बच्चों। तो वो आपका कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, प्लस आई, और जो विड्रॉइंग इफेक्ट है वो माइनस आई दिखाते हैं। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे जरा देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप, ये जो अल्काइल ग्रुप है ना, मैं यहाँ पे इसने कुछ लिस्ट नहीं बना रखी, लिस्ट नहीं बना रखी, चलो जी मैं ही दिखा देता। इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन से ग्रुप करते हैं, याद रखना है, जो प्लस आई दिखाते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, जैसे कार्बन अल्काइल ग्रुप है ना, सारे अल्काइल ग्रुप मतलब आपके सी एच थ्री ग्रुप, सी टू एच फाइव ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये सब जो है क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल अल्काइल ग्रुप 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये सारे के सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है ना सर। अब माइनस, सर माइनस आई कौन से वाले ग्रुप दिखाएंगे, माइनस आई ये वाले दिखाएंगे, देखिए माइनस आई ये वाले ग्रुप दिखाएंगे, देखिए ये माइनस आई वाले ग्रुप, ये देख लीजिएगा सारे के सारे माइनस आई, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे उनको हम लोग बोलते हैं माइनस आई दिखा रहे हैं। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बोलो बच्चों थोड़ा बहुत, से यस और नो, यस सब बच्चों को आ रहा है क्या, बहुत तो आ ही रहा होगा शायद, क्योंकि मैं इसको जो है काफी फास्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं खाली आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, जैसे क्रैश कोर्स होता है ना, क्रैश कोर्स की तरह करा रहा हूँ। देख लीजिएगा ये कौन कौन से ग्रुप है, सबसे ज्यादा तेजी से कौन खींचेगा, फिर कौन खींचेगा, फिर कौन खींचेगा, फिर कौन खींचेगा, फिर ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी होती है इनके, देख देखिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है ना। ओके सर, आप देखो एक बात बता देता हूँ सर, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे चलो ये बेसिसिटी का एक टर्म है, इसको रहने दीजिए, फिलहाल इसका कुछ काम नहीं है तो ज्यादा लफड़ा नहीं लेना है। देखो बच्चों रेजोनेंस, रेजोनेंस इसको बोलते हैं, देखिए रेजोनेंस का मतलब होता है कि अगर मेरे पास, मैं आपको एक बहुत सिंपल वे में समझा देता हूँ, रेजोनेंस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करना, अगर मैं सामने वाले को अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता हूँ तो मैं रेजोनेंस दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा सी एच टू पे माइनस चार्ज है और मैंने क्या कर दिया, इसको सी एच टू पॉजिटिव चार्ज वाले को दे दिया, तो मैंने यहाँ से इसको ऐसे डोनेट किया ना, तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको जो है यहाँ पे सी एच डबल बॉन्ड स्केच, सर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना एक तरीके से रेजोनेंस हो गया। सपोज मेरे पास ये कोई एक ऐसा ग्रुप है ओ एच ग्रुप, तो सर ये ग्रुप क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसके पास लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, जरा ध्यान से देखो, सर
ये वाला इधर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर को डोनेट करेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन सर यहाँ पे आ जाएगा, समझ रहे हैं क्या सर? ये इधर पे आ जाएगा, तो देखिए सर क्या बनाएगा, ऐसा आ जाएगा। बात समझ में आ रही क्या सर? ये ऐसे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है सर, ये इधर बढ़ा देना है और ये यहां से इधर शिफ्ट कर, ऐसे ऐसे, और सर ये ओ एच पे पहुंच, ऐसे और फिर ऐसे, ऐसे हो जाएगा। फिर सर ये ऐसे डोनेट करेगा और ये ऐसे डोनेट, तो सर ये इसका रेजोनेटिंग इस तरीके से बन रहा है, इसमें रेजोनेंस ऐसे हो रहा है, आप देख रहे हैं ये इसका मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है ना। चलिए अब देखो बच्चों एक बात और मैं आपको बता देता हूं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सर ये रेजोनेंस करा रखा है, देखिए इसमें देखो रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है ना। इसमें रेजोनेंस कैसे हो रहा है, कैसे करवाया है उसने, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर था ना ये, देखो ये वाला स्ट्रक्चर था, ठीक है ना सर। अब जब ये वाला स्ट्रक्चर था तो जरा ध्यान से देखो सर, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ऐसे डोनेट करेगा और ये वाला इधर को शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो देखो बच्चों कैसे हो रहा है, देखो इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर चला जाएगा, तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, CH2 पे नेगेटिव चार्ज, CH ऑफ डबल बॉन्ड, दिस इज द NH2 ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो देख लो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम बने हुए, देख लो भाई, अगर डाउट आ रहा है तो पूछ लो, आराम से देख लो, कोई टेंशन नहीं लेने का है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों सर इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होगा, जरा ध्यान से देख लीजिएगा, बस अपना रिवीजन करते रहिए इसमें, ठीक है ना सर। ऑलरेडी सर यहाँ से ये लोन पेयर ऐसे डोनेट कर रहा है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो सर आगे, तो ये आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी नॉर्मल है ये सब चीज, तो सर ये इलेक्ट्रॉन देखो मैंने यहाँ पे कुछ ग्रुप बताए थे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाले ग्रुप को हम लोग कभी कभी क्या नाम से बोलते हैं सर, पहले ये वाले देखो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाले ग्रुप या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन कौन से करते हैं, जिनके पास OH हो गया, OR हो गया, NH2 हो गया, NHR हो गया, NR2 हो गया, ये सब हेलोजन, X का मतलब हेलोजन, ये क्या है बच्चों, हेलोजन है। तो ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। जब भी कभी भी कहीं भी अगर इनको मैं लगाऊंगा तो समझ जाना कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट एक और है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाले, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक है ना।
माइनस आर भी बोलते हैं, वही जो माइनस आए माइनस आई जो दिखा रहे थे वही माइनस आर दिखाएंगे, है ना सर? जो माइनस आई दिखा रहे थे वही तो माइनस, ठीक है ना, जो माइनस आई दिखा रहे थे वही तो माइनस आर दिखाएंगे, वही एनओ टू सी एन सी एच ओ ये आपका सारे होता है। देख लो बच्चों, कोई अगर टेंशन आता है तो आप पूछ। ठीक है ना सर? अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ मेजोमेरिक, मेजोमेरिक इफेक्ट का मतलब वही रेजोनेटिंग इफेक्ट को बोलते हैं, मेजोमेरिक का मतलब वही रेजोनेटिंग इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट का मतलब होता है बच्चों वही रेजोनेटिंग इफेक्ट, ठीक है ना, मेजोमेरिक का मतलब वही रेजोनेटिंग इफेक्ट को बोलते हैं। कोई दिक्कत ही नहीं है सर, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये सब कोई है, सब छोटी छोटी चीजें हैं, कोई भी टेंशन लेने की बात। एसिड बेस को छोड़िए, सीधे मेन पॉइंट पे आओ बच्चों, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन शायद आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, हाइपर कंजुगेशन बच्चों आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक्चुअली हाइपर कंजुगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेशन इज द एबिलिटी ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन अल्फा हाइड्रोजन एटम टू अंडरगो कंजुगेशन टू एडजेसेंट पाई। इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, या नो बॉन्ड कंजुगेट कंजुगेशन रेजोनेंस, या सिग्मा पाई बॉन्ड। कहने का मतलब होता है ये आपके पास, सपोज मैंने आपको बताया ये कार्बन का इस तरीके से बैक एंड पी ऑर्बिटल है, और यहाँ कार्बन के पास ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये बैक एंड पी ऑर्बिटल क्या करेगा, इस कार्बन हाइड्रोजन की सिग्मा बॉन्ड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ऐसे ये खींचने की कोशिश करेगा, तो मतलब पी ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में, पी ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन है ना, पहले नंबर का कार्बन, पी ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में जो पहले नंबर का कार्बन है ना, तो इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। इस कार्बन को क्या बोलते हैं सर, अल्फा कार्बन बोला जाता है। तो सर इस पी ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में हमेशा हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो सिग्मा बॉन्ड है ना, इसको ये पी ऑर्बिटल क्या करता है, पास वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है। तो जब खींचेगा तो इधर डबल बॉन्ड आएगा नहीं आएगा, बोलो सर, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो इधर ऐसे डबल बॉन्ड आएगा नहीं आएगा, तो एक कंजुगेशन हो गया है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, यहाँ पे कंजुगेशन हुआ है, डेफिनेशन इसका लिखा हुआ है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इसमें एक कंजुगेशन हुआ है, इसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। तो सर अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, तो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा ना बच्चों, वो अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा, इधर देखिए, इधर दूसरे साइड में देखे, इधर देखो, इधर देखो, दूसरे साइड में देखो, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। किसी भी कार्बन में जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे ना, उसका हाइपर कंजुगेशन उतना ही ज्यादा होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो सी एस थ्री सी एच टू पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में ये वाला पहला कार्बन है, इसी को अल्फा कार्बन बोलते हैं। इस अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है, तो तीन वो क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने इसके अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे ना, वही सर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, वही सर इसका क्या हो जाएगा, वही इसका हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सर, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में भी देखो सर, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में भी ये पहला कार्बन है अल्फा कार्बन, इस पे तीन अल्फा एच है, तो इसको भी आप क्या बोल सकते हैं सर, अल्फा हाइड्रोजन एटम। या सर तीसरा एक और पॉइंट, ये कार्बन होता है ना, इस कार्बन पे एक ऐसा पॉइंट रख देते हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं।
बोलते हैं या नहीं बोलते हैं बोलो सर? इस फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में जो अल्फा है, एक्चुअली ये फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में यही अल्फा कार्बन है बच्चों, इस पे तीन अल्फा हाइड्रोजन है, समझ रहे ना? तो हम सारे स्ट्रक्चर के आपको तीन तीन अल्फा एच बता दिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। ये देख लो अल्फा एच, देखो ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगाया है डायग्राम में, उसके बाद ये पहला कार्बन है ना, ये वाला हाइड्रोजन नहीं होगा, ये वाला होगा, तो ये अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना? दूसरा एक और बात बता देता हूं, अल्फा कार्बन एटम, जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा ना, वो हमेशा एक बात बता देता हूं बच्चों, जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा ना बच्चों, वो एक बात ध्यान रखिए, वो किस पे होगा? जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है ना सर, वो हमेशा किस पे होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पे होगा। मतलब मैंने आपको बताया CH3 CH2 पॉजिटिव, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम इस पे है ना, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सारे सिंगल बॉन्ड है ना, तो SP3 हाइब्रिडाइज वाला कार्बन बना, ठीक है ना? बच्चों हमेशा एक बात यही बताना चाहता हूँ, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पे जो हाइड्रोजन एटम होगा ना, वही आपका क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पे जो हाइड्रोजन एटम होगा ना, वही आपका अल्फा हाइड्रोजन। अब आप बोलेंगे सर सपोज आपके पास एक स्ट्रक्चर ऐसा है, पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में ये भी तो अल्फा कार्बन है, तो क्या ये अल्फा कार्बन ये अल्फा हाइड्रोजन होगा क्या? नो अल्फा एच, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है सर? यहाँ पे sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है, इसलिए ये कभी भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं हो सकता है। देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना? चलो अच्छा, सपोज एक कंपाउंड ये है बच्चों CH3 CH1 CH3, तो ये देखिए ये कार्बन के रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा कार्बन है सर, ये भी अल्फा कार्बन है, तो इस अल्फा कार्बन पे तीन अल्फा एच है, इस पे भी सर तीन अल्फा एच है, तो ओवरऑल इस कंपाउंड पे टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आ रहा क्या सभी को? Yes, sir. ठीक है ना सर, ये आपका इतने अल्फा एच हो जाएंगे, आप देख सकते हैं, डाउट है तो बच्चों आप पूछ लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखिए साफ हो गया। तो एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ, इसी में एक और पॉइंट लिख देता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, तो हम लोग बोलते हैं ना यहाँ पे, कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कोई भी कंपाउंड का स्टेबिलिटी थी, उसमें जितने नंबर ऑफ अल्फा एच होंगे ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। मैंने सपोज आपको बोला बच्चों इस तरीके से एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया, दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा बनाया, तो यहां पे देखिए ये तीन अल्फा एच है सर, इसमें देखो 3 3 3, 3 3 का 9 अल्फा है, तो स्ट्रक्चर ए है, स्ट्रक्चर बी है, सो दैट्स व्हाई बी इज द मोर स्टेबल है।
ठीक है ना। यस देखिए कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, एक कर्म है आपका एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन के है। तो देखिए ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता रखा है ना, उसने स्टेबिलिटी भी आप देखना भी चाह रहे हैं तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सीधे इसके एप्लीकेशन देखिए। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन का क्या रोल है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, कोई भी एल्कीन उतनी ज्यादा स्टेबल तभी होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उसी का हम लोग बोलेंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। आओ इसमें जानते हैं, इस दोनों में बोल रहा है कौन ज्यादा स्टेबल है। देखो मैं इन दोनों को यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए ये सी है, डबल बॉन्ड सी एच लिखा हुआ है, सी एच है ना। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर इसने थोड़ा गलत लिखा हुआ है, क्यों 2 2 4 यानी ठीक है ठीक है ठीक है। तो सर इस पे एक सी एस थ्री किधर लगाया है, एक सी एस थ्री किधर लगाया है। तो ये आपका फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, देखिए इसमें अल्फा है। तो बच्चों देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी पहले नंबर का ये कार्बन डबल बॉन्ड का, ये भी फर्स्ट नंबर का कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन। बच्चों इस पे 3 अल्फा H इधर है, इस पे भी 3 अल्फा H है और इस पे भी 3 अल्फा। ओवरऑल इस कंपाउंड में 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे नहीं होंगे बताओ। दूसरे वाले में देख लीजिएगा, तो देख लो इसने लिखा हुआ है ओवरऑल 9 अल्फा H। दूसरे वाले में देखो जी, ये CH2 है। तो सर इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये वाला यही कार्बन है ना अल्फा कार्बन, देखो अल्फा कार्बन तो यही है, ये तो दूसरा कार्बन है, ये तो नेक्स्ट बीटा कार्बन हो गया, यही तो है सर अल्फा कार्बन, देख लो रे बच्चों। सर यही तो अल्फा कार्बन है, तो इस अल्फा कार्बन पे कितना अल्फा है, 1। तो इसमें ओनली एक ही अल्फा हाइड्रोजन एटम है जैसा कि दिया गया है, देख लो। तो सर दोनों में स्टेबल ज्यादा कौन सा होगा, पहला वाला हो जाएगा, देख लो। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी बात कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ सकता है। ठीक है ना सर। तो ऐसी दूसरा इसका एग्जांपल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का मतलब पता है ना किसको बोलते हैं, एक ऐसा कार्बन एटम। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का मतलब एक ऐसा कार्बन एटम इस पे कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोला जाता है कार्बोकैटायन। ठीक देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, कोई डाउट है तो बता दीजिए। ठीक है ना, ओके। ओके तो सर ये हो जाएगा, तो वही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वही हो जाएगा नंबर ऑफ अल्फा एच। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उस वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे इधर देखो इसमें देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 अल्फा H इधर है, 3 अल्फा H इधर है, 3 अल्फा H इधर, ओवरऑल इसमें 9 अल्फा H। देखो देखो इस पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में ये 3 इधर है, 3 इधर है,
ये वाला मत करना है काउंट, क्योंकि ये तो उसी कार्बन पे है जिसपे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, ये तो उसी कार्बन पे है जिसपे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। तो सर इसमें कितने हो गए, 6 अल्फा H। इसमें देखो सर ये कार्बन है, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कितने हैं, 3 अल्फा, और सर इसमें 0 है। देख लो बच्चों जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम है वो हम लोग बोले हैं उतना ही ज्यादा स्टेबल है या नहीं है। समझ में आ रहा है ना सभी को, पढ़ा है ना बच्चों सब यस लोगों सर। ने, इसी तरीके से पढ़ा होगा शायद सभी ने, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ज्यादा तो नहीं पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये हमको पढ़ना नहीं है बच्चों, ये 11th का सिलेबस है, हमें तो सिर्फ 12th का पढ़ना है, तो 12th का बिना इसके नहीं होगा, नहीं तो हमें बच्चों कोई शौक नहीं है। चलिए ये तो कोई बात नहीं, नॉर्मल बात, इस तरह की इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस पढ़ने। ये देखो कार्बोकैटायन के बारे में लिखा हुआ है बच्चों, ये चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, देखो इसमें कार्बोकैटायन के बारे में, ये देखो कार्बोकैटायन के बारे में लिखा हुआ है, व्हाट इज द मतलब डिफाइन द कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन इज द इंटरमीडिएट ऑफ कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब है कोई भी केमिकल जब रिएक्शन होती है ना, तो उस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में जो कुछ समय के लिए बनता है, कुछ टाइम के लिए बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन। उसमें जियोमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन तो देखो ये है, तो कार्बोकैटायन की ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है, तो ये आपका कार्बोकैटायन है, देख लो ये, ठीक है ना, और इसके ऑर्बिटल डायग्राम ऐसा है। इसका ऑर्बिटल डायग्राम देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। और सर ये देखो क्लासिफिकेशन करा रखा है उसने, कार्बोकैटायन क्लासिफिकेशन करा रखा है बच्चों, तो देखिए क्लासिफिकेशन में क्या है, देखिए इधर जरा ध्यान से देखिए सर, पहले टाइप का कार्बोकैटायन है इसको मिथाइल कार्बोकैटायन, CH3 को हम लोग बोलते हैं मिथाइल, और अगर इस अगर CH2 पे कोई R ग्रुप लगा होता है, CH2 मतलब CH2 है तो 1 डिग्री प्राइमरी कार्बोकैटायन, CH है तो आप सेकेंडरी बोलते हैं, और C है तो आप टर्शरी बोलते हैं, पता है ना, ये तो बहुत पहले ही पढ़ दिए होंगे। C देखो बच्चों आपने CH2 पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है ना, तो सर इसका मतलब हो गया आपका 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बोकैटायन, और आपने अगर सर ओनली CH लिखा हुआ है ना, तो आप बोलेंगे सर ये 2 डिग्री, आपने सर ओनली C ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव लिखा है ना सर जी, ये उसके बाद और कुछ अलग टाइप के कार्बोकैटायन। आप देखो इसमें अब नेक्स्ट है सर अलाइली कार्बोकैटायन, बच्चों मैं आपको समझाता हूँ अलाइलिक कार्बोकैटायन, ये देखो ये अलाइलिक कार्बोकैटायन एक्चुअली इसको बोलते हैं, ये है ये लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, इसको क्या बोला जाता है सर अलाइलिक कार्बोकैटायन के नाम से जाता है। इसको क्या बोलते हैं सर अलाइलिक कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन किसको बोलते हैं सर, अगर कोई बेंजीन रिंग, ये लिखा हुआ है बेंजीन रिंग ऐसे है और इस पे कोई CH2 ग्रुप लगा होता है ना,
सर इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, कार्बो का मतलब कार्बन से लेना देना है ना सर। और इधर देखो एक और, अब इसमें एक और है विनाइलिक कार्बोकैटायन। सर विनाइलिक किसको बोलते हैं, आपका विनाइलिक का मतलब हो गया कि CH2। ठीक है ना, ये फिनाइल कार्बोकैटायन को आप विनाइलिक कार्बोकैटायन भी बोल सकते हैं, कोई बात। एरोमेटिक नहीं दिखा, ठीक है ना सर। अब देखो पहचानते कैसे हैं सर, देखिए इधर देखिए, पहचान तो आपको पता होगा लेकिन स्टेबिलिटी क्या होता है सर इनका। स्टेबिलिटी अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, तो हम लोग ये बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोनेंट होता है रेजोनेंस। अगर किसी कार्बोकैटायन में एक भी रेजोनेंस है ना, तो वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है। और उसके बाद हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस के बाद फिर हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ अल्फा है। मतलब सर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं, अगर रेजोनेंस है तो मोर स्टेबल होगा, और अगर आप बोलेंगे रेजोनेंस और अल्फा हाइड्रोजन दोनों के दोनों, जैसे मैं एक कार्बोकैटायन यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, CH पॉजिटिव चार्ज, और इधर तो इस कार्बोकैटायन में आप देख रहे हैं सर यहाँ से इसमें रेजोनेंस भी है, पास से सर इसमें 3 अल्फा H भी है, तो प्रेफर किसको करेंगे, रेजोनेंस को करेंगे, है ना। तो रेजोनेंस को प्रेफर करेंगे तो स्टेबिलिटी रेजोनेंस के बेस पे हम बताएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो देखो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं बेंजीन रिंग में सबसे ज्यादा रेजोनेंस होता है, सबसे ज्यादा रेजोनेंस होता है इसलिए ये बहुत स्टेबल है। फिर इसमें एक ही डबल बॉन्ड का रेजोनेंस है तब भी, फिर ये आपका 3 डिग्री दिखा रखा है, 3 डिग्री मतलब 9 अल्फा H है इसमें, 6 अल्फा H, और फिर आपका ये 1 डिग्री दिखा रखा है। और बच्चों ये दोनों सबसे कम स्टेबल होते हैं, ध्यान रख बच्चों। एक बात बताओ ये आपको आ रहा है ना समझ में, थोड़ा बहुत तो आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो बच्चों मैं इसको दूसरे तरीके से पढ़ाता हूँ। मेरे पास 2 तरीके हैं इसको पढ़ाने के, मेरे पास 2 नहीं मेरे पास 3-4 तरीके हैं। समझ में नहीं आ रहा तो आप बताइए कि सर ये इस तरीके से नहीं आ रहा समझ में, बोलो। अरे बताओ भाई आ रहा है या नहीं आ रहा सब बच्चों को, क्योंकि हमारे पास और भी तरीका है बेटा। अगर इस तरीके से नहीं आ रहा तो मैं दूसरा तरीका यूज करता हूँ, मेरे पास दूसरा मेथड है और भी। कुछ पता लग रहा है या नहीं लग रहा है, बोलो श्यामा। कुछ पता लग रहा है श्यामा, कुछ पता लग रहा है हेट, कुछ पता लग रहा है बेटा सेल नक्षत्र, कुछ आ रहा समझ में? अरे नक्षत्र कुछ आ रहा है क्या? शुभम कुछ आ रहा है बेटा समझ में? यस सर। प्रथम पटेल को आ रहा है क्या? प्रथम पटेल आ रहा है बेटा समझ में या नहीं आ रहा है? प्लैंक तो नहीं चल रहा ना? ओके तो बच्चों मेन बात आपको ये बता रहा था, ठीक है ना। एक मिनट है,
सर यहाँ पे मैंने आपको ये सर वो बताया, श्री को अंदर लो ना। कोई नहीं आया इधर। अच्छा आ गया सर, वेरी गुड। चलो और किसको पूछ, और कौन है भाई? सेल समझ में आ रहा है क्या? यस सर। जिया, जिया आपको आ रहा समझ में? यस कशिश, सर। कृषान तुझे भी आ रहा बेटा समझ में? माही पटेल आपको भी आ रहा क्या? माही पटेल, यस सर। कौन बोला? माही पटेल ही बोला या उसकी जगह पे कोई और बोल दिया? मैंने ही बोला सर। ओके। प्रियांशी समझ में आ रहा है क्या? प्रियांशी, रुद्रा आ रहा बेटा समझ में? आप वही बच्चे हैं जो ये वीडियो चालू करके गायब हैं। रे आ रहा बेटा समझ में? यस सर। प्राची, प्राची कुछ पता लग रहा है क्या? ये हालत है। तो सर ये आपके पास ऐसा ही कंसेप्ट है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे आपको ये कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करना था सर। और बच्चों ये आपने देख लिया था कैसे इसको अप्लाई कर। देखो जैसे यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो इन तीनों में देखो, इन तीनों में देखो बच्चों, फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग और थर्ड रिंग, फर्स्ट सेकंड और सेकंड और थर्ड रिंग में देखिए क्या क्या है, ठीक है ना? एक्चुअली ना ये थोड़ा इसमें एक एक्सेप्शन है कि 3 डिग्री हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है बेंजीन से। इसमें दिया है क्या? इसमें दिया ही नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं है, नए वर्जन में है वो, इसमें नहीं दिया हुआ है। शायद आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, हो सकता है आपके, आप लोगों को जब पढ़ा रहे होंगे तो उन लोगों ने पढ़ाया होगा आपको कि बेंजाइलिक हमेशा लेस स्टेबल होता है 3 डिग्री से। ये पढ़ाया होगा शायद, पढ़ाया है क्या? 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है बेंजाइल से, ये पढ़ाया होगा शायद। चलो कोई बात नहीं, हम लोग तब देखते हैं उसको। सर इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर के बेस पे फिलहाल हम इसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, वही हाइपर कंजुगेशन। और उसका देखो सर यहाँ पे एक रिंग का रेजोनेंस है, यहाँ पे दो दो रिंग का रेजोनेंस है। इस पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज पे वन रिंग सिंगल रिंग का रेजोनेंस है, इस पॉजिटिव चार्ज पे सर डबल रिंग का रेजोनेंस है, और इस पॉजिटिव चार्ज पे सर तीन अल्फा एच, तीन अल्फा एच। तो अल्फा एच के कंपेरिजन में मैंने आपको बताया था बच्चों रेजोनेंस ज्यादा प्रेफर होता है। तो आप देख रहे हैं दो दो रिंग का रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल होगा, दो दो रिंग के रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल होगा, देन फर्स्ट और दिस इज द। समझ रहे हैं क्या? इसको ऐसे अप्लाई करो फिलहाल, क्योंकि सर इस रिंग में ज्यादा, समझ में आ गया होगा शायद, यहाँ पे दिया भी है थर्ड सबसे ज्यादा है, देन फर्स्ट, देन, ठीक है ना? ये ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, ओके। और इसमें
सीधे बच्चों इधर आओ। अच्छा एक और कंसेप्ट है हाइड्राइड शिफ्टिंग। हाइड्राइड शिफ्ट का कंसेप्ट भी शायद पढ़ा होगा, मुझे लग रहा है आपको। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन भी बोलता हूँ बच्चों। हमारे पास एक्चुअली क्या होता है ना, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन दिया है। ये एग्जांपल इसके बाद देना चाहिए था, लेकिन क्या करें। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत देख लो। मैं उसके बाद जो है जब सिलेबस में पढ़ाऊंगा तो थोड़ा आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मैं उसको थोड़ा आराम से ही पढ़ाऊंगा। अच्छा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन क्या होता है। कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट दिया हुआ है, देखिए कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट क्या है सर। एक कार्बोकैटायन कैन बिकम मोर स्टेबल बाय रीअरेंजमेंट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बोकैटायन मिस शिफ्ट बिटवीन adjacent atom to form more stable carbocation। तो कहने का मतलब यह है कि कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हम इसलिए करते हैं कि हमें पास वाले कार्बन से क्या होता है, एक स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका रीअरेंजमेंट करते हैं। तो हम लोग क्या कर देते हैं सर, उसका रीअरेंजमेंट कर देते हैं। अब ये रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया गया है, देखिए। और एग्जांपल ये दिया है, देखो इसमें पेज नहीं है ना, तब थोड़ा सा दिक्कत है। देखो इस कंपाउंड को मैं यहाँ पे बना रहा हूं, देखो बच्चों ये CH3 है, ये CH3 है और ये हाइड्रोजन है। आपने यहाँ पे क्या किया बच्चों, एक कार्बोकैटायन यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं सर ये 2° कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो मैंने देखा, सॉरी प्राइमरी कार्बोकैटायन 1° है, 1° पे। तो मैं क्या करूंगा, पास से अगर एक हाइड्राइड, हाइड्राइड का मतलब H-, हाइड्राइड का मतलब H-, अगर मैं एक हाइड्राइड शिफ्ट कर दूं, शिफ्ट करने के बाद अगर मुझे वहां पे स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा तो मैं हमेशा हाइड्राइड शिफ्टिंग को प्रिफर करूंगा। तो आपने क्या किया बच्चों, यहां से इधर इसको शिफ्ट किया, तो ये देखो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। मैं इसको 1-2 हाइड्राइड H- शिफ्ट ऐसे लिखता हूँ, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे ये H- इधर चला जाएगा पॉजिटिव पे, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही H- यहां से इधर चला जाएगा बच्चों, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये CH3, ये पॉजिटिव चार्ज, ये CH2 पे ये हाइड्रोजन आ गया। तो अब देखो ये कार्बन, आप देखिए ये 3° बन गया होगा, देख लीजिएगा। C पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब मैंने बोला था ये 3° बन गया है, देख लो ऐसा है ना, ये ऐसा ही बना हुआ है। अच्छा ये, अच्छा इसने ऊपर मिथाइल शिफ्ट किया हुआ है, कोई बात नहीं है, इसने यहाँ मिथाइल शिफ्ट किया हुआ है। मैंने आपको ये वाला बना के दे दिया, ये दूसरा वाला बनाया है, दूसरा वाला स्ट्रक्चर मैंने बनाया, मैंने हाइड्राइड शिफ्ट किया है ना। तो सर मैं इसको हमेशा, मेरे एक हाइड्रोजन को शिफ्ट करने से मुझे स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, तो स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करने के लिए मैं हमेशा हमेशा हाइड्राइड की शिफ्टिंग करना अच्छा समझता हूं। मैं हमेशा हमेशा बच्चों हाइड्राइड की शिफ्टिंग करना अच्छा समझूंगा, तो ऑलवेज क्या करूंगा, यहाँ से हाइड्राइड को शिफ्ट करने की कोशिश करता रहूंगा। समझ में आया। दूसरा एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, इधर देखो इसमें भी देखो हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है। देखो मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ आप, उसको रहने दो, यहां से कर
देखो अब वन टू हाइड्राइड शिफ्ट करता हूं मैं, देखो बच्चों अगर मैं इसको सी एच टू लिख दूं और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दूं, तो मैं यहां से देखो ये पहले से ऑलरेडी 2 डिग्री कार्बोकेटायन बच्चों, अगर मैं इस साइड से शिफ्ट करूंगा तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो सर जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मुझे एक बात बताओ, ये वो आपका 1 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा, देख 2 से 1 की तरफ जा रहा है तो ये तो लेस स्टेबल हो गया, 2 से 1 की तरफ जा रहा है तो सर ये तो लेस स्टेबल हो गया, हुआ नहीं हुआ बोलो, 2 से 1 की तरफ जा रहा है तो सर ये तो लेस स्टेबल हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। तो मैं क्यों ना सर एक काम करूं, यहां से अगर इसको शिफ्ट करूं तो देखो कौन सा बन रहा है, सर ये हो जाएगा ये सी एस थ्री है, सी एच ही है। अब यहां से इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, तो सर ये हाइड्रोजन इधर आएगा तो ये सी एच टू, और ये पीछे वाला सी एच थ्री ऐसे ही हो जाएगा, है ना, और ये जो सी ये ऐसे बना है, एक हाइड्रोजन आया तो ऐसे बन गए। तो ये देखो बच्चों, तो ये आपका सी पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये 3 डिग्री बना नहीं बना, तो सर इसको बोलते हैं यहाँ पे 1-2 हाइड्राइड पॉसिबल था, वो भी इसके इस वाले डायरेक्शन, आया समझ में। यस सर। देखो भाई कोई दिक्कत अगर किसी को है तो बोलो, ये रिंग एक्सपेंशन को छोड़ दीजिएगा, मैं बताऊंगा बाद, यही वो सब कार्बोकैटायन का तरीका है। देखिए कार्बेनायन का मतलब ही देख लो भाई, कार्बेनायन में ही देखिए, कार्बेनायन देख लीजिए स्टेबिलिटी में बेंजाइलिक ज्यादा होता है और ये ऐसा होता है, लेकिन 1-2-3 डिग्री में, 1-2-3 डिग्री में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री देन, कार्बेनायन का केस देख लो भैया, कार्बेनायन का केस देख लो बच्चों, चलो जी नेक्स्ट देखिए, अच्छा यहाँ पे एक टर्म और है फॉर्मेशन ऑफ, जैसे कुछ नए नए टर्म है, अच्छा ये चीजें हो सकता है आपने नहीं पढ़ी हो, या ऐसा भी हो सकता है पढ़ भी सकते हैं, ये तो बता नहीं सकता हूँ भैया आपने क्या पढ़ा, तो आप देख रहे हैं बच्चों ये बड़ा ही सिंपल टाइप का है, ज्यादा तो हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा कल का लेक्चर देखेंगे हो जाएगा फिर, मतलब कल कल सैटरडे कल क्लास होता है क्या आपका, अरे कल क्लास होता है क्या, सर ने बोला था कि रखेंगे, अच्छा लिया था उन्होंने।
डिसाइड नहीं होता है। चलो हो सकता है सर ने लिया हो डिसाइड। ठीक है बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, कल देख लेंगे अगर होगा तो सही होगा, नहीं तो देख लेंगे। ठीक है ना, तो फिलहाल के लिए बच्चों इसमें इतना ही काफी है, मिलते हैं आप लोगों से तब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना, एक और इसमें टॉपिक चलेगा उसके बाद सीधे मैं चैप्टर को स्टार्ट कर दूंगा, समझ रहे हैं क्या? एक दिन और इसमें ऐसे ही लगेगा फास्ट, फिर मैं सीधे आपके चैप्टर को स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है बेटा? ओके चलो चलो ओके बच्चों, बाय सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय सर। Thank you so much.